अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समरीन गैलरी। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं अजमेर, और अजमेर के हम निकल रहे हैं, हम मेट्रो स्टेशन पे हैं। तो आगे आप लोगों को व्लॉग में दिखेगा, और बहुत आवाज़ आ रही है यहाँ, तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। कहाँ जा रहे हैं? जन्नत में। ये सो ही रही, इसको ज्यादा नींद आ रही है। वैसे पतले होने का फायदा यही है। वैसे चाय पी, सॉरी चाय बोल रहे, वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, पर पी रही क्योंकि मुझे जुकाम है बहुत ज़्यादा। पतले होने का यही फ़ायदा है गाइस, एक लोग दो लोग आराम से एक बेड में आ सकते हैं। चाय भी है, चाय गरम चाय। नहीं भैया आपकी ऑलरेडी है चाय। इतना गंदा लग रहा है फेस, सोया सोया हुआ भी लग रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोग अजमेर जंक्शन पहुँच चुके हैं। अजमेर में हम लोग फाइनली पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग जा रहे हैं सीधे रूम, क्योंकि हम लोगों ने रूम का पहले ही बुकिंग कर लिया था। मतलब मेरा एक फ्रेंड आया था, तो वो वहीं पर रुका था, तो हम लोग भी वहीं पर रुक रहे हैं। तो भी आप लोगों को दिखा दूंगी। बहुत ठंड है यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है अजमेर को। अजमेर का स्टेशन ही देख करके बहुत खुशी हो रही है। अब मुझे इतना जुकाम था ना कि मैं सो गई थी, तो अभी जस्ट उठी हूँ 5 मिनट पहले, और फिर हमारा स्टेशन आ गया। जोकर लग रहे यार ये पहने तो। तुम है तुमको पता नहीं था, लेकिन तुम है। तेरी बेस्ट फ्रेंड है मैसी। फाइनली अजमेर पहुंच गए। अजमेर ही निकालो 203 है। तो गाइस हम लोग होटल प्रिंस में आ चुके हैं, और अब हम लोग सबसे पहले खाना खाएंगे, उसके बाद रूम जाएंगे। अब मैं यहाँ का दिखा देती हूँ आपको किस तरह का नीचे का डेकोरेशन, बहुत अच्छा। पहले खाना है, कुछ चाय वाय नहीं पीना मुझे। और इस साइड से रूम रहेगा, इस साइड पर। वर्षा भूख लगा है? नहीं वाला पेंट आगा इसका।
अभी पहुंची हो गई जस्ट, मैंने ले लिया इसे। 400 का सेटअप, खाना हमारा रेडी है, होटल वाले बुला रहे हैं बट मैं यहाँ। पेट्रोलिंग टीम वाले आ गए, तो गाइस ये मैंने ले लिया अम्मी के लिए। अंकल इसे पैक कर दीजिए। वो भी रहा परफेक्ट, सही है भैया। एक ये दे दो, एक और कलर पसंद कर लो, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, निकाल लीजिए। और अभी तक सवेरे समय मैं पैर में तो सभी अच्छा लग रहा है, पता ले ले। एक ये दे दीजिए, साइज खरी देख लीजिएगा भैया, सही साइज से। हाँ सेम साइज से बता दीजिए। तो गाइज एज यू नो आप लोग जानते हो कितना ज़्यादा मुझे शॉपिंग पसंद है, और मैंने अभी इतनी सारी चीज़ें ले ली है, अपनी अम्मी के लिए ली है, अपने लिए जूती ली है, और एक अपनी अप्पी के लिए जूती ली है, क्योंकि ये 150 में दो जूती दे रहे थे मेरे लोग यार। इसी मैंने लिया, यहाँ पर पेट्रोलिंग हो रही क्योंकि अभी रात के 11:30 हो रहे हैं, तो ये लोग बंद करते हैं, और होटल वाले फ़ोन करके बुला रहे कि आपका डिनर रेडी हो गया है, और मैं फटाफट ला गई। जस्ट उधर दरगाह है और यहाँ पर पूरा स्ट्रीट शॉपिंग होता है, पूरा शॉपिंग। मैंने मुझे बस मौका मिलना चाहिए, मैं फटाफट से ले लेती हूँ सारी चीज़ें, तो मैं ले ली। कल सुबह भी लूँगी, कल हो सकता है सुबह ज़्यादा टाइम ना रहे हम लोग के पास, क्योंकि हम लोग कल 2:30 का झोपड़ा भी जाना है, उसके बाद हम लोग को मज़ार भी जाना है और तारागढ़ का पहाड़ भी जाना है, थोड़ा दूर से लो यार, इसीलिए अभी हम लोग होटल जा रहे हैं। भैया ने हम लोगों को दो कीज दी थी, एक ये रूम का 401 का, एक 402 का है, तो हम लोगों को ये रूम भी सही लग रहा है, क्योंकि मैं वर्षा और मेरी फ्रेंड है वो तीन लड़कियां सिर्फ रही इसमें, इसलिए तो ये रूम भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मिरर भी इतना बड़ा है, थोड़ा सा सजने के लिए अच्छा है। और सुबह वैसे मैं इस होटल का रिव्यू दे दूँगी, क्योंकि मुझे जो चीज़ पसंद आती है, मुझे जिसका एक्सपीरियंस अच्छा लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब मैंने सामान जैसे ले लिया था, अभी फिलहाल अभी नहीं रखती हूँ, पहले वो रूम देख करके आती हूँ। तो गाइज़ अब मैं अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ, और यहाँ पर सारी चीज़ें इसे अच्छे से सजा दूँगी, और अच्छा हम लोगों ने बड़ा वाला ट्रॉली बैग लेकर खाया था, ताकि सारी चीज़ें उसमें आराम से ऐड हो जाए। और मैंने अपनी मम्मी के लिए भी ड्रेस लिया है, 300 में लिया है, वो सब मैं हो सकता है कि अभी मतलब अगले व्लॉग में दिखा दूँ, या फिर मैं आराम से घर जा करके दिखाऊँ। पर बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें इस तरह के बैग मुझे मिले हैं 75 रुपीज़ में, ओनली 75 रुपीज़, मतलब वाह। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ शॉपिंग करने यहाँ आई थी, बस मुझे रास्ते पे दिख गया, मैं तो अजमेर का मतलब अजमेर शरीफ का दरगाह दिखा रही थी अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करके। जस्ट हम लोग पहुँचे, जस्ट एकदम स्ट्रेट पर हम लोग जाएंगे तो हमारा दरगाह एकदम सामने है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दिखा दूँ मम्मी को, फिर अचानक से। तो गाइस जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को कि मैं अपनी मम्मी को दिखा रही थी बस, अरे यार बहुत ठंडा है यहाँ पर तो मैं अपनी मम्मी को बस दिखा रही थी दरगाह वीडियो कॉल पे, फिर मम्मी ने कॉल कटा। जस्ट मैं रिटर्न आने लगी तो बहुत सारी मतलब चीज़ें लगी हुई थी इस तरह से ज़मीन पे ही, मतलब फुटपाथ पे ही लगी हुई थी, तो मैंने ले ली। और ये जो मेरी मम्मी का ड्रेस है ना, वो मैंने शॉप से लिया है, कल मैं दिखा दूँगी अगर मैं उस साइड जाऊँगी तो, बहुत प्यारा है और मेरी मम्मी के ऊपर बहुत सूट करेगा, बहुत ज़्यादा इस तरह का है कुर्ती टाइप का। एक सेकेंड गाइस, कुछ इस तरह का ड्रेस है, बहुत ही प्यारा है, मतलब ये कलर भी बहुत अच्छा है इसका, तो मैं आराम से इन सब कुछ इन सब चीज़ों को दिखाऊंगी, कल दिखा दूंगी। मैं एक जूती दिखा देती हूँ आपको, एक सेकेंड, ये मैंने ली है, वेट कैसे पहन रही हूँ यार, मैं बेइज्जती हो जाएगी। तो गाइस ये मैंने ली है 75 रुपीज़ में सिर्फ, और ये मेरा नहीं है, मेरी आपकी दो आपकी उन लोगों के लिए ली है, इसलिए मेरे पैर पर ये छोटा हो रहा है। कल इंशाल्लाह दरगाह का ही व्लॉग आएगा, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अपने। और अगर आप लोग भी अजमेर शरीफ के हो तो प्लीज़ अगर आप लोग चाहो मुझसे मिलो तो आप लोग मिल सकते हो। वैसे जब तक मैं ये वीडियो डालूँगी तब तक तो मैं यहाँ से चली जा चुकी होंगी, वैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पर अपना लाइव अपडेट दे दिया था कि मैं आ रही हूँ अजमेर, और कल हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से कल रात में, क्योंकि फिर हम लोगों को 6 को दिल्ली में भी रहना है, उसके बाद नहीं चलेगा, हम लोग को दिल्ली भी जाना है, उसके बाद फिर हम लोगों को वहाँ पर भी रुकना है, क्योंकि सरोजनी नगर का मैंने पार्ट 1 ही सिर्फ डाला है, पार्ट 2 भी मुझे शूट करना है, इसलिए तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, दुआ में याद रखिएगा।